Subscribe to Madis English channel and press the bell icon for the latest video updations. Hello friends, welcome back to Madis English. Friends, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल लेसन के बारे में जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस. मेनली किताबी परिभाषा के अनुसार कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें की एक कंडीशन होती है और एक रिजल्ट होता है. मतलब कि एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो आपके पास मान लीजिए पानी है, आप उसे गर्म करते हैं तो वो उबलता है. मतलब कि आपने कंडीशन दी, इसका एक रिजल्ट मिला. अगर आप पानी को फ्रीज करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट होता है. आपने कंडीशन दी, आपको एक रिजल्ट मिला. तो जब भी किसी कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उनमें दो सेंटेंसेस होते हैं, एक कंडीशन पर बेस्ड होता है, दूसरा उसका रिजल्ट होता है कि मतलब आप ऐसा करेंगे तो कुछ ऐसा होगा. ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस. सबसे पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल कंडीशनल सेंटेंस का, उसके बाद में पढ़ेंगे इसके रूल्स. बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा कंडीशनल सेंटेंस को याद रखने का इंग्लिश में. तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैडीज इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट. कंडीशनल सेंटेंस को समझने से पहले देख लेते हैं एक सेंटेंस कि कंडीशनल सेंटेंस आखिरकार होते किस तरह के हैं, क्या कंडीशन होती है, किसे हम रिजल्ट कहते हैं, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करेंगे. सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले एक सेंटेंस देखिएगा आपके स्क्रीन के सामने है, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा. अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा, यहाँ पर दो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं. अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा, तो को हटा दीजिए. अगर तुम मुझे बुलाओगे मैं आऊंगा, ये आपको दो सेंटेंस दिख रहे हैं. तो का मतलब यहां पर ऐसे कंजंक्शन यूज कर रहे हैं जबकि दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है. तो यहां पर जो सबसे पहला सेंटेंस आपको दिख रहा है, अगर तुम मुझे बुलाओगे, ये आपकी होती है कंडीशन, तो मैं आऊंगा. उसका रिजल्ट क्या होगा कि मैं आऊंगा, सीधी सी बात है. तो ये होता है आपका रिजल्ट. तो कंडीशनल सेंटेंस में एक कंडीशन होती है और एक रिजल्ट होता है, उसी के बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं कि सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है. आइए अब देख लेते हैं इसके रूल्स ताकि क्लियर हो जाए कि कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश में किस तरह से होते हैं. फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा फॉर्मेट है इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि बहुत ही ज्यादा टफ लगता है स्टूडेंट्स को सीखने में. मतलब कि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसके रूल्स को याद रखने में, लेकिन आज मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं बहुत ही फैमिलियर होंगे आप उस पर्टिकुलर ट्रिक से भी. आपने इस चीज का इससे देखा तो होगा ही, नाम भले ही नहीं सुना हो लेकिन आपने इसे देखा तो होगा ही. इसे कहते हैं बैलेंस. मतलब कि जो अगर इसके अंदर कोई चीज रखें तो वो उसे बैलेंस करके दिखाता है. मतलब कि जब आप इसके अंदर कन्वर्टर्स रखते हैं तो वो इसे बैलेंस करता है कि इतने कन्वर्टर का है, इतने कन्वर्टर का है, तो उसे आप बैलेंस करके देख सकते हैं. 1 kg, 2 kg, 3 kg, उसे बैलेंस रखने का काम होता है इस बैलेंस का. सेम स्ट्रक्चर हमें यहाँ फॉलो करना है इस बैलेंस वाला. इसका फंडा जो है वो हमें यहाँ भी फॉलो करना है कंडीशनल सेंटेंस में. जब तक हम दोनों हेल्पिंग वर्ब्स या फिर जो भी वर्ब्स हम यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अपने कंडीशनल सेंटेंस में, जब तक उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो जाता, कंडीशनल सेंटेंस नहीं बनते हैं. तो आपको इसी ट्रिक को याद रखना है कि जब भी दोनों वर्ब्स बैलेंस्ड होगी तभी कंडीशनल सेंटेंस बनेंगे. तो आप रूल को फॉलो करते हुए बनाते हैं कंडीशनल सेंटेंस के कुछ सेंटेंसेस. अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं, किस तरह के कंडीशनल सेंटेंस हम इंग्लिश में पढ़ते हैं. जैसा कि मैंने बताया था कि तो वर्ड, यहां पर तो के पहले भी एक सेंटेंस होगा, तो के बाद भी एक सेंटेंस होगा. तो के पहले वाला सेंटेंस कंडीशन होगा और दूसरा वाला सेंटेंस रिजल्ट होगा. तो यहां पर आपकी जो कंडीशन है उसे हमें फुलफिल करना है सबसे पहले, उसी के अकॉर्डिंग बनेगा आपका रिजल्ट भी. तो बात करते हैं सबसे पहले रूल की, रूल नंबर 1 की. फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं कंडीशन को कहूंगा सेंटेंस नंबर 1 और रिजल्ट को कहूंगा सेंटेंस नंबर 2. तो सेंटेंस नंबर 1 होगी कंडीशन, सेंटेंस नंबर 2 होगा रिजल्ट. तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका सेंटेंस नंबर 1 मतलब कि कंडीशन गा गी गे पर एंड होती है और आपका रिजल्ट भी गा गी गे पर ही एंड होता है, तब जब आपकी कंडीशन होगी वो बनेगी प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस में और आपका सेंटेंस नंबर 2 मतलब कि जो रिजल्ट होगा वो बनेगा फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस में. तो हो गया ना बैलेंस, इधर भी इंडेफिनाइट टेंस, इधर भी इंडेफिनाइट टेंस. इधर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इधर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा.
हेल्पिंग वर्ब भी दोनों में यूज होगी, लेकिन यहाँ भी यूज होगी, वहां भी यूज होगी। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तभी हम प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, अदरवाइज हम सिंपल सेंटेंस उसका बना देंगे। देख लेते हैं रूल नंबर वन के कुछ सेंटेंसेस, क्लियर हो जाएगा। तो रूल नंबर वन का सबसे पहला सेंटेंस है, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं भी आपसे बात करूंगा। फर्स्ट कंडीशन जो कि है आपका, जो कंडीशन नंबर वन है, मतलब सेंटेंस नंबर वन है, वो एंड हो रहा है गा गी गे पर, और सेंटेंस नंबर टू रिजल्ट भी एंड हो रहा है गा गी गे पर, तब आपकी जो पहली कंडीशन है वो बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में और रिजल्ट बनेगा फ्यूचर इंडेफिनाइट में। तो इसका इंग्लिश होगा, इफ यू टॉक टू मी आई विल ऑल्सो टॉक टू यू, इफ यू टॉक टू मी आई विल ऑल्सो टॉक टू यू। इस तरह से रूल नंबर वन के सेंटेंसेस हमें बनाने हैं, मतलब कि कंडीशन बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में और रिजल्ट बनेगा फ्यूचर इंडेफिनाइट में। इस तरह से हमें याद रखना है रूल नंबर वन को, प्रॉपर बैलेंसिंग है, दोनों इंडेफिनाइट टेंस भी है। देख लेते हैं रूल नंबर वन के कुछ और सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर टू है, अगर आप इंग्लिश सीखोगे तो इंग्लिश में ही बोलोगे। इसका इंग्लिश होगा, If you learn English, you will speak in English then. मतलब कि कंडीशन वन बनी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में और इसका रिजल्ट बना फ्यूचर इंडेफिनाइट में। If you learn English, you will speak in English then. इस तरह से बनाए जाते हैं रूल नंबर वन के सेंटेंसेस। आइए दो और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि रूल नंबर वन अच्छे से क्लियर हो जाए। सेंटेंस नंबर थ्री है, अगर लोग हम में दहशत पैदा करेंगे तो हम डर जाएंगे। कंडीशन बनी है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, रिजल्ट है फ्यूचर इंडेफिनाइट में। इसका इंग्लिश होगा, इफ पीपल टेररराइज अस वी विल गेट स्केर्ड, इफ पीपल टेररराइज अस वी विल गेट स्केर्ड। यहां पर कंडीशन बनी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में और रिजल्ट बना फ्यूचर इंडेफिनाइट में, जैसा कि हमने रूल नंबर वन में पढ़ा था, अभी रूल नंबर वन ही चल रहा है। देख लेते हैं रूल नंबर वन का आखिरी सेंटेंस। आखिरी सेंटेंस है, अगर आप इस कार की क्षतिपूर्ति नहीं करोगे तो मैं आपको पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। अगर आप इस कार की क्षतिपूर्ति नहीं करोगे, यह बनेगा कंडीशन है इसलिए बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, और तो मैं आपको पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा यह है रिजल्ट, तो यह बनेगा फ्यूचर इंडेफिनाइट में। तो इसका इंग्लिश होगा, इफ यू डू नॉट कॉम्पनसेट फॉर दिस कार आई विल टेक यू, या फिर आई विल गेट यू टू द पुलिस स्टेशन। इफ यू डू नॉट कॉम्पनसेट फॉर दिस कार आई विल गेट यू टू द पुलिस स्टेशन। इस तरह से बनाए जाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, मतलब कि अभी हमने डिस्कस किया रूल नंबर वन, जिसमें कि हमने बैलेंसिंग की वर्ब्स के बीच में, मतलब कि यहां अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहां भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होना चाहिए। देख लेते हैं रूल नंबर टू, इसमें क्या क्या कंडीशंस हमें अप्लाई करनी है। तो रूल नंबर टू ये कहता है कि अगर आपकी कंडीशन आया गया खाया पिया दौड़ा, मतलब कि पास्ट इंडेफिनाइट पर एंड होती है, और आपका रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनाइट मतलब कि गा गी गे पर एंड होता है, तब आपकी जो कंडीशन है वो बनेगी पास्ट इंडेफिनाइट में, और जो आपका रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब कि बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने शुरू में फंडा बताया था। मतलब कि अगर आप यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वहां भी विल चेंज हो जाएगा वुड में, मतलब कि सेकंड फॉर्म वहां भी यूज होगा। तो देख लेते हैं इसके भी कुछ सेंटेंसेस, क्लियर हो जाएगा। तो सेंटेंस नंबर वन है रूल नंबर टू का, अगर उसने कुछ कहा तो मैं उसकी नहीं सुनूंगा। कंडीशन एंड हुई पास्ट इंडेफिनाइट पर, रिजल्ट भी बनेगा फ्यूचर इंडेफिनाइट में लेकिन वर्ब के सेकेंड फॉर्म से। इसका इंग्लिश होगा, इफ ही सेड समथिंग पास्ट इंडेफिनाइट आई वुड नॉट लिसन टू हिम, फ्यूचर इंडेफिनाइट बट वुड के साथ में, विल नहीं वुड, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ में। इफ ही सेड समथिंग आई वुड नॉट लिसन टू हिम,
इस तरह से बनेंगे रूल नंबर टू के सेंटेंसेस। आइए देख लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस। दूसरा सेंटेंस है, अगर आपने मेरा काम नहीं किया तो मैं आपसे बहस करूंगा। अगर आपने मेरा काम पूरा नहीं किया पास्ट इंडेफिनाइट, तो मैं आपसे बहस करूंगा फ्यूचर इंडेफिनाइट, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो इसका इंग्लिश होगा, इफ यू डिडंट कंप्लीट माय वर्क आई वुड आर्ग्यू विद यू। इफ यू डिडंट कंप्लीट माय वर्क आई वुड आर्ग्यू विद यू। तीसरा सेंटेंस बहुत ही मजेदार है, इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके अंदर आपको एक नई वोकैबुलरी मिलने वाली है। तो सेंटेंस नंबर 3 है, अगर उसने तलवार म्यान में नहीं रखी तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। कंडीशन है आपकी पास्ट इंडेफिनाइट में और रिजल्ट है आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट में, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वर्ब चेंज होगी, तो यहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। तो इसका इंग्लिश होगा, इफ He didn't put a sword into the sheath, I would kill him. If he didn't put a sword into the sheath, I would kill him. इस तरह से बनेंगे ये sentences। मतलब कि आपकी condition बनेगी past indefinite में और आपका result होगा future indefinite में, लेकिन वहां पर use होगा verb का second form, जैसा कि रूल नंबर 2 में हम डिस्कस कर ही रहे हैं। देख लेते हैं दो और सेंटेंसेस, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, अगर तुमने मुझसे बदतमीजी की तो मैं प्रिंसिपल को बुलाऊंगा। अगर आपने मुझसे बदतमीजी की, यह बनेगा पास्ट इंडेफिनाइट में, और तुम्हें प्रिंसिपल को बुलाऊंगा, यह बनेगा फ्यूचर इंडेफिनाइट में, लेकिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो इसका इंग्लिश होगा, इफ यू मिसबिहेव्ड विद मी I would call principal. If you misbehaved with me, I would call principal. इस तरह से बनेंगे ये sentences. अब देख लेते हैं rule number 2 का आखिरी sentence. आखिरी sentence बहुत ही मजेदार है, ये आपको बता देगा कि आपको conditional sentence क्यों नहीं आएंगे। तो sentence है, अगर आपने यह video नहीं देखा तो आपको conditional sentence नहीं आएंगे। इसका इंग्लिश होगा, इफ यू डिडंट वॉच दिस वीडियो, या फिर इफ यू मिस्ड दिस वीडियो, यू वुड नॉट गेट कंडीशनल सेंटेंस। इफ यू मिस्ड दिस वीडियो, यू वुड नॉट गेट कंडीशनल सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 को एक और तरीके से याद रखा जाता है, जब हम एरर करेक्टिंग सॉल्व करते हैं इंग्लिश में, तब एक रूल होता है कि अगर आपका सेंटेंस जो पहला सेंटेंस है वो बन रहा है पास्ट इंडेफिनाइट में और दूसरा सेंटेंस जो बन रहा है वो बन रहा है फ्यूचर इंडेफिनाइट में, तब आप यूज करते हैं वुड का। मतलब कि जो फ्यूचर में जब सेंटेंस बनेगा वहां विल का यूज नहीं होगा, वुड का ही यूज होगा, क्योंकि यहां पर पास्ट टेंस का हम यूज कर रहे हैं। इस तरह से भी इसे याद रखा जा सकता है। देख लेते हैं एक और रूल, मतलब कि रूल नंबर 3। तो फ्रेंड्स, रूल नंबर 3 सबसे यूनिक है, ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही यूनिक बताता है। रूल नंबर 3 का मानना यह है कि रूल नंबर 3 यह कहता है कि अगर आप कंडीशन को पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं, मतलब कि इनकम्प्लीट प्लस था, जैसे कि तुमने मुझे समझाया था, उसने मुझे बुलाया था, उसने मुझसे लिखवाया था, इनकम्प्लीट प्लस था, उसने मुझे समझाया, इनकम्प्लीट प्लस था, उसने मुझे समझाया था, मतलब कि इनकम्प्लीट प्लस था, इसे कहा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब कि अगर आपकी कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तब आपकी जो रिजल्ट होगा वो बनेगा थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब कि वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वहां पर यूज होगा, क्योंकि आपको बैलेंसिंग करनी है। अगर हैड यहाँ यूज हो रहा है, क्योंकि हैड यहाँ पर यूज हो रहा है वो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पर जो वुड का यूज हम कर रहे हैं विल से चेंज करके, वो भी सेकेंड फॉर्म में है, तो यहाँ पर तो बैलेंसिंग हो गई। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म को भी मैनेज करना है, इसलिए वुड के साथ में लगेगा हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब जाके ये रूल कंप्लीट होगा, क्योंकि हम डायरेक्टली वुड को वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर वुड हैव लगा
उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। मतलब कि अगर आपका सेंटेंस कुछ इस तरह का है कि अगर उसने तुम्हें बुलाया था तो तुम मुझे बताते, मतलब कि आपकी कंडीशन एंड हो रही है था थी थे, मतलब कि इनकम्प्लीट प्लस था पास्ट परफेक्ट टेंस पर, और आपका रिजल्ट एंड हो रहा है ता ती ते पर जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, तब आपको यूज करना है रूल नंबर थर्ड, मतलब कि आपकी कंडीशन बनेगी पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो ता ती ते पर जो रिजल्ट एंड हो रहा है वहां पर यूज होगा वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, देख लेते हैं सेंटेंसेस के बीच में मैं बताता रहूंगा कि ऐसा कैसे हुआ। देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। तो रूल नंबर थर्ड का सबसे पहला सेंटेंस है, अगर उसने तुम्हारी मदद की थी तो तुम मुझे बताते। अगर उसने तुम्हारी मदद की थी पास्ट परफेक्ट टेंस, तो तुम मुझे बताते। रिजल्ट जो कि बनेगा वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से, तो इसका इंग्लिश होगा इफ ही हैड हेल्प्ड यू, यू वुड हैव टोल्ड मी। अगर उसने तुम्हारी मदद की थी तो तुम मुझे बताते। If he had helped you, you would have told me. दूसरा सेंटेंस है, अगर वह भूल गया था तो तुम उसे याद दिला देते। इसका इंग्लिश होगा If he had forgot, you would have reminded him. मतलब कि आपकी जो कंडीशन है वो बनी पास्ट परफेक्ट में और ताती ते पर रिजल्ट एंड हुआ, मतलब कि तुम मुझे उसे याद दिला देते, तो वो बनेगा वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। इस तरह से यूज किया जाता है रूल नंबर थर्ड को। देख लेते हैं दो और सेंटेंसेस। तीसरा सेंटेंस है, अगर आप वहां गए थे तो हमें भी साथ ले चलते, पेट्रोल का खर्चा हम दे देते। इसका इंग्लिश होगा इफ यू हैड गॉन देयर, यू वुड हैव टेकन अस ऑल्सो। इफ यू हैड गॉन देयर, यू वुड हैव Taken us also. इस तरह से बनाए जाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को। देख लेते हैं रूल नंबर थर्ड का आखिरी सेंटेंस। तो रूल नंबर थर्ड का आखिरी सेंटेंस है, अगर वह पहुंच गया था तो मुझे बुला लेता। इसका इंग्लिश होगा If he had reached, he would have called me. If he had reached, he would have called me. इस तरह से बनाए जाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, अभी मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूं। इसके बाद में तीन और रूल बचेंगे, इसी तरह के रूल्स हैं लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस पर बेस्ड है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस ही बहुत ज्यादा यूज होता है इंग्लिश में। तो तीन नए रूल्स हम डिस्कस करेंगे अगले लेसन में, जिसमें मैं काश वाले रूल के बारे में भी आपको बताऊंगा, उससे कंडीशनल सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, कोई रूल समझ में नहीं आ रहा है, आप बेशक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और प्लीज प्लीज बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले लेसन में तीन नए रूल्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।